2024 इलेक्शन शुरू होने वाला है। ऊपर से बीएसपी को जिताने का दम भर रहा है महान दल। क्या बिना बुलाए मेहमान को दावत देगी मायावती? चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक साल पहले सपा को जिताने और अखिलेश यादव को सीएम बनाने का दम भरने वाले महान दल ने अब बसपा को जिताने का नारा दिया है। महान दल के द्वारा सूबे के कुछ जिलों में वाल पेंटिंग करके लिखा गया है कि महान दल ने ठाना है 2024 में बसपा को जिताना है। महान दल पार्टी भले ही बसपा को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर रहा है, लेकिन वह दरअसल अपने सियासी वजूद को बचाने रखने के लिए मायावती का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, ताकि बसपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सके। बसपा को बिना शर्त महान दल का समर्थन। महान दल के द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, एटा, कासगंज और बरेली के क्षेत्रों की दीवारों पर बसपा को जिताने के नारे लिखे गए हैं। महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने टीवी से बात करते हुए भारत और बातचीत में बताया कि 2022 में सपा को जिताने के लिए हमने ऐसे ही अभियान शुरू किया था। उस समय भी अखिलेश यादव के साथ उनकी कोई बात नहीं हुई थी, और अब जब बसपा के लिए 2024 के जिताने का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो मायावती के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। महान दल के सामने बीएसपी एकमात्र विकल्प है। केशव देव मौर्य ने कहा कि मेरा मकसद बीजेपी को हराने का है। सपा हमें कोई सियासी तवज्जो नहीं दे रही है और बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं। ऐसे में हमारे पास बसपा के सिवा कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प यूपी में नहीं दिख रहा है। महान दल अकेले दम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन गठबंधन करके सियासी उलटफेर करने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि हमारा जो कोर वोट बैंक शाक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समाज है, वैचारिक रूप से बसपा के साथ अपना जुड़ाव रखता है, क्योंकि बसपा का दलित और हमारा समाज भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। हमारा समाज 2007 तक बसपा के साथ रहा। ऐसे में बसपा का समर्थन करने पर हमें हमारे समाज को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बसपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विधानसभा स्तर पर महान दल की बैठक होगी। महान दल के नेता मौर्य। महान दल के सियासी वसूल बचाने की चुनौती। महान दल भले यूपी में बसपा को जिताने का नारा बुलंद कर रही हो, लेकिन इस बहाने वह अपने वजूद को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। महान दल सपा से लेकर कांग्रेस तक के साथ गठबंधन का किस्मत आजमा चुका है, पर अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिल सकी है। वहीं महान दल के साथ ही बने सुभाषपा निषाद पार्टी जैसी पार्टी अच्छी खासी ताकत बन चुके हैं। ऐसे महान दल की बेचैनी स्वाभाविक है, जिसके लिए केशव देव मौर्य अब बसपा की तरफ उम्मीदों भरी नज़र से देख रहे हैं। सपा से लेकर कांग्रेस तक रहा है गठबंधन। बता दें कि महान दल का गठन 2008 के केशव देव मौर्य ने किया था, लेकिन अभी तक खाता नहीं खुल सका। महान दल ने 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन जीत नहीं सकी। इसके बाद 2022 में सपा के साथ गठबंधन किया और 2 सीट पर महान दल को लड़ने का मौका मिला। केशव देव ने मौर्य अपने परिवार को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वह भी जीत नहीं सके। ऐसे में महान दल अपने सियासी वजूद को स्थापित करने की जद्दोजहद कर रहा है। महान दल को साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति को दिखाने की कोशिश की। महान दल ने तब 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 1 सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि वेस्ट यूपी और रुहेलखंड की कुछ सीटों पर उसका प्रदर्शन अच्छा खासा रहा। मुरादाबाद की ठाकुरद्वार सीट पर महान दल दूसरे नंबर पर है। ऐसे ही चांदपुर, नूपुर, अमरोहा की नौगांव, सदार, बरेली की बहेड़ी सीट पर महान दल के प्रत्याशी को 30,000 वोट मिले। जिसके बाद 2022 में सपा के टिकट पर केशव देव मौर्य के बेटे चंद्र प्रकाश मौर्य बदायूं की बिलसी सीट से चुनाव लड़े और करीब 68,000 वोट हासिल कर सके, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी हरीश साख के चुनाव में उनको हरा दिया। क्या मायावती महान दल से मिलाएंगे हाथ? केशव देव मौर्य अपने सियासी आधार मौर्य, साख, कुशवाहा, सैनी, भगत, मुराय, कोराई समाज के बीच हैं, जो सूबे में करीब 5 से 6% के बीच है। एक समय वह बसपा का वोट बैंक हुआ करता था, क्योंकि स्वामी प्रसाद से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा तक मायावती के खास हुआ करते थे। दोनों ही नेताओं के बाहर होने और बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य का सियासी कद बनने के बाद वह वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ गया, जिसके चलते महान दल के सियासी चुनावी चुनौतियां खड़ी होती जा रही हैं। बसपा को जिताने के लिए महान दल दीवारों पर नारा लिख रहा है, ताकि बसपा प्रमुख मायावती का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। इस तरह महान दल की कोशिश 2024 में बसपा के साथ गठबंधन करने का है, लेकिन बसपा प्रमुख पहले ही कह चुकी है वह किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि मायावती क्या महान दल के केशव देव मौर्य को साथ लेती हैं, और उन्हें लेती हैं तो फिर कितनी सीट देती हैं, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। क्या महान दल महान बन पाएगा कि दम तोड़ देगा? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।